तो पिताजी कैसे हैं आप? हैं ठीक है। अच्छा, होली कैसे बीती पिताजी आपको? बढ़िया से, अच्छा से। हाँ, अच्छा, होली पर रितेश पांडे जी इसमें आए थे कि नहीं? होली पर नहीं रहा, होली पर नहीं, मतलब अब के बार नहीं साथ में आ पाए थे होली पर? नहीं रहा। तो फ्रेंड, जो कि हम लोग फाइनली आ चुके हैं रितेश पांडे जी के घर के पास, जो कि वाराणसी में है। और हम लोग जो कि पिछले बार उनके घर भी गया था, उनके गांव वाला सिस्टम, तो हमारे जो कि चैनल पर उनका जो पहला वाला घर था, उनके पापा जी का इंटरव्यू था, अभी अवेलेबल है। तो आप लोग जाके हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं आप लोग। तो आइए, हम इस गली में आ चुके हैं और हम चल के दिखाते हैं उनका जो कि जहाँ पर उनका बनारस में जहाँ पर रितेश पांडे जी रेखा पनास्टिकल पीरियड में थे। तो आइए चल के दिखाते हैं उनका पूरा घर कैसा है। तो आइए दिखाते हैं। जो लोग भाई हमारे चैनल पर नए तो मेरी जरूरी भाई एक लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। और आइए चलते हैं और देख सकते हैं हम लोग रोशन भाई और चंदन भाई हम लोग आए थे, और हमारे साथ में जो बाइक है, और यही इस गली में जो कि उनका घर था, ये हम आपको पास से दिखाते हैं। तो आइए चल के दिखाते हैं हम आपको उनका घर जो कि है। घर के आसपास कॉलोनी कुछ इस तरह का है, और इनका ये इनका मेन घर है, मतलब मेन गेट है, पार्वती भवन जिसका नाम है, और कुछ इस तरह का दिख रहा है, कुछ ऐसा है। और कुछ इस साइड जो कि इस गली से इसका नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये चलते हैं अंदर। फाइनली आ चुके हैं, और हमारे साथ में जो कि चंदन भाई हैं और अमित जी हैं और रोशन जी हैं। यहाँ पर चंदन भाई हैं, अमित जी हैं और रोशन जी हैं, और यहाँ पर पिताजी हैं जो कि रितेश पांडे जी के पिताजी हैं, और इनके पूरे परिवार हैं। तो आइए चलते हैं और हम दिखाते हैं जो कि रितेश भैया की जो भी। फाइनली हम जो कि रितेश पांडे जी घर आ चुके हैं, और पिताजी से हम लोग दोबारा मुलाकात हो चुकी है, क्योंकि पहली बार हम तो गए थे बिहार भैया के गांव बक्सर में, तो वहाँ रोहतास, अच्छा रोहतास में पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग गए थे पहली बार। दूसरी बार जो कि यहाँ वाराणसी में जो कि पिताजी से मुलाकात हुई है। तो पिताजी कैसे हैं आप? हैं ठीक है। अच्छा, होली कैसे बीती पिताजी आपको? बढ़िया से, अच्छा से। अच्छा, होली पर रितेश पांडे जी इसमें आए थे कि नहीं? होली पर नहीं रहा, होली पर नहीं, मतलब अब के बार नहीं साथ में आ पाए थे होली? नहीं रहा। तो पिताजी रितेश पांडे जी मतलब इस समय कब आए थे यहाँ पर इसे बनारस में? फरवरी में। हाँ, फरवरी में आए थे। अच्छा, फिलहाल मतलब होली में अब के बार साथ में नहीं, परिवार साथ में नहीं होली मनाता उनका? थोड़ा परिवार में कमी हो गया था। अच्छा अच्छा, दूर के है लेकिन परिवार है। हाँ हाँ, जब परिवार है तो हाँ, मतलब तो के साथ यहाँ नहीं मनाया। अच्छा, गांव पर। चलिए पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हम लोगों को आप दोबारा फिर अपना टाइम दिए। तो दोस्तों, पिताजी से हमने आपको मिलवाया, और अगर आप जो कि फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर रितेश पांडे जी का। मैंने आप लोगों को वाराणसी वाला बनारस वाला मैंने आप लोगों को बना के दिखाया है घर, और इसके पहले मैंने जो कि बिहार में उनका घर बनाया था, तो वहाँ पर इंटरव्यू उनके पिताजी का लिया था, और यहाँ पर भी जो भी आप लोगों ने देखा बनारस इनका बनारस वाला कैसा घर, स्ट्रगल के टाइम में यहीं से वो अपना जो कि
मशगल करते थे, एल्बम उल्बम जो की तैयारियाँ करते थे एल्बम के लिए, तो ये बनारस से रहकर और उसी गली गुच्ची से निकल के फिर मतलब आज मुंबई तक गए हैं। तो फ्रेंड्स जो लोग भाई हमारे चैनल नए, प्लीज़ जरूर भाई एक लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। और आप लोग जिस हीरो का भी आप लोग इंटरव्यू मतलब देखना चाहते हैं या फिर घर देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ज़रूर पूरा करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।